गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। फिर से मैं आप लोग के सामने ब्लॉग लेके आ रही हूँ। आज का ब्लॉग है, हम लोग अभी बिलोनिया पार्क जाने वाले हैं। वो पार्क का नाम है कृष्णा वर्ल्ड में, वो वाला पार्क हम आप लोगों को आज दिखाएंगे, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, समय है दिखाने के लिए। बाद में फिर से मैं बिजी हो जाऊंगी तो नहीं दिखा पाऊंगी। ऑलरेडी मैं एक आदमी बैठ चुकी हूँ, आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। बिलोनिया तो जुलाई बारे से भी जा सकते हैं और शांति बाजार से भी जा सकते हैं, लेकिन हम लोग आज जाएंगे शांति बाजार से, वो भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के रूट की तरफ से हम जाएंगे उस साइड से। सर हम दोनों ही हैं और कोई नहीं है हम लोग के साथ, हमेशा हम दोनों ही आप लोगों के सामने दिखाई देंगे, क्योंकि और किसी का टाइम नहीं है हम लोग के साथ आने के लिए। मेरा भाई बहन लोग भी नहीं है, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी है, तो करता है सबके साथ जाऊँ घूमूँ और मतलब पिकनिक वगैरह वो सब करूँ, लेकिन समय ही नहीं है किसी के पास। और बिलोनिया अभी हम जा रहे हैं, वहाँ का एरिया आप लोगों को जरूर मैं दिखाऊंगी। अभी लग रहा है मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी हम दोनों। जहाँ पर मैंने पहले वाला वीडियो में बोला था, ये है शांति बाजार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उस साइड में है। हम लोग रुकी है क्योंकि मेरे हस्बैंड सुबह से कुछ नहीं खाई है, खाना खाने के लिए बोला खाना भी नहीं खाई, इसलिए भी थोड़ा चाय पीने के लिए गई है अंदर में, और मैं तब तक यहाँ पर वेट करती हूँ जब तक वो नहीं आ जाते। थोड़ा आप लोगों को इस एरिया वाला मैं दिखाती हूँ, बहुत सुंदर करके बनाया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। रास्ते से भी बिलोनिया जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा लॉन्ग कट होता है, लेकिन रास्ता अच्छा है।
ओवर में पहले मतलब काम करते थे। पाथोरी वाला जगह बहुत सुंदर भी है, नीचे ग्रीन भी है, अच्छा भी है। अभी तक हम लोग नहीं पहुँचे, लेकिन लॉन्ग ड्राइव के लिए तो बहुत अच्छा है। पहले हम लोग जब बाइक से आते थे यहाँ पर, बहुत रास्ता भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बहुत दूर था, लेकिन आज कार से आके ऐसा लग रहा बहुत पास है। लेकिन जगह इतना बुरा नहीं है, अच्छा है एरिया। बोरपाथुरी बाजार, यह है स्टेशन, ऑटो स्टेशन, मोटर स्टेशन साइड में। पहले हम लोग इस तरफ आके खाते थे, देखो। ये देखो, अभी थोड़ी देर के बाद मेन गेट से जाएंगे हम लोग। ये मेन गेट देखो, यही है। देखो यहाँ एरिया, गाइस हम लोग आके यहाँ पर पहुंच गए हैं। माय गो, बहुत दूर है बहुत, लेकिन अंदर में अभी पहले जैसा ही है, या अभी थोड़ा नया चेंज किया है पता नहीं। पहले हम लोग जब यहाँ पर आए थे, मतलब मैं और मेरे पति बेबी के साथ,
तब बहुत अच्छा था, सुंदर भी है, बोट भी है, लेकिन अभी पता नहीं क्या क्या है। आप लोगों को आज फिर से मैं दिखाने के लिए आई हूँ। अभी हम लोग सामने की तरफ एंटर कर रहे हैं, हस्बैंड टिकट काटने के लिए गई है। थोड़ा पैदल से जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर कार बाइक वगैरह लेकिन नहीं जा सकते हैं। ऐसा लग रहा है हम जंगल के अंदर में डीपली जा रहे हैं, पूरा का पूरा जंगल। अभी फिलहाल देखने में आप लोगों को लग रहा होगा ये क्या जगह पर हम लोग आप लोगों को लेके आई हैं, लेकिन यहाँ से शुरू होता है, देखने में जंगल है लेकिन अंदर में और भी जाके देखो बहुत सुंदर है। हम लोग देखते हैं अंदर में क्या क्या है। अच्छा लेके आई हूँ क्योंकि मुझे भूख लग रही है, इसलिए लेके आई हूँ। सीनरी तो बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। आप लोगों को कैसा लगा? अभी हम लोग अंदर पहुंचने वाले हैं, आप लोग देखिए। सीधा बोट में बैठने के लिए जा रहे हैं, बहुत एक्साइटिंग हो क्योंकि वो भी बहुत दिन के बाद अभी बोट में बैठने वाली हूँ। पहले मेरे बच्ची, मैं, हस्बैंड, सासू माँ लोग भी आए थे, तब एक साथ हम लोग बोट में चले थे, लेकिन अभी तो सर हम दोनों ही हैं। देखो ये बोट येलो वाला थोड़ा ज़्यादा अच्छा नहीं, ग्रीन वाला ठीक है बोला, पता नहीं चलने के बाद पता चलेगा। देखो मैगो हाँ वो तो नहीं गिरेगा, पता कैसा करना है तुम करो। आप भी देखो मुझे भी बोलो, मैं भी करता हूँ, रुको रुको एक साथ लेता हूँ ना। देखो गाइस मेरा ड्राइवर फिर से यहाँ पर आके ड्राइवर बन गए हैं। फाइनली हम लोग का सपना पूरा हुआ है, यहाँ पर आके देखो बारिश मौसम हुआ, टिम टिम पानी, कितना अच्छा नज़ारा है। ये देखो कार से उतर के बहुत ड्राइवर बन गया मैं, ये पानी से बहुत दिन के बाद आया। प्रिया भी बहुत एक्साइटमेंट है अभी। I'm so happy. Seriously. अगर फैमिली लोग भी होता कितना मजा आता, मेरा बेटी को भी मैं छोड़ के आई, इतना अच्छा बोट, वो बहुत खुश हो जाती, लेकिन क्या करे घर में नहीं ज़्यादा नहीं बैठ सकते, वो वोमिटिंग सेंसेशन होते हैं, तबीयत खराब हो जाता है, इसलिए आज उसको छोड़ के हम लोग यहाँ पर हम दोनों आई हैं आप लोगों को दिखाने के लिए। देखिए
से हवा आ रहा है इधर, धूप भी थोड़ा थोड़ा है, हवा भी थोड़ा थोड़ा है, मिक्स है। मौसम सुहाना है। भाई हम लोग का बोट में चलाते चलाते मेरा बोट खुद ही मुझे पीछे ले गया, देखो ना। सामने जाने का कोशिश कर रही थी लेकिन पीछे पैर से सामने लेके जा रहे हैं हम लोगों को। बेचारा कितना मेहनत करके पैर दबा रहे हैं। बोट में बैठ बैठ के मैंने जो चिप्स लेके आया था दुकान से, अभी मैं वो खाऊंगी क्योंकि भूख लग रही है बहुत ही। हम पीछे से अभी सामने तक आए हैं, अभी हम लोग का बोट का टाइम ख़त्म है, अभी हम लोग उतरने वाले हैं। निकलने वाला है यहाँ से। आप लोगों को ये पार्क कैसा लगा प्लीज कमेंट कीजिएगा। अभी मेन गेट पे आ चुके हैं, अभी पता नहीं कहाँ जाएंगे। का नाम है बटरफ्लाई पार्क, अभी वो खुला है कि नहीं पता नहीं, अभी हम उधर पीछे जाएंगे। खुला है तो अच्छा है क्योंकि बटरफ्लाई पार्क भी कम नहीं है, सुंदर है वो भी, छोटा है लेकिन अच्छा है। अभी चलते हैं वो खुला है कि नहीं, खुलने से तो अच्छा है, आप लोगों को भी मैं दिखा सकती हूँ। यह है बटरफ्लाई पार्क, देखो स्टार्टिंग से कितना सुंदर है यहाँ का। इस तरफ कार पार्किंग है, ये और भी सुंदर है। बटरफ्लाई का नाम पूरा बटरफ्लाई के डेकोरेशन किया है। देखो ये स्टार्टिंग एंटर फूल आसे तो आगे तो पहले तो नहीं रहा। देखो
ये देखो कितना सुंदर है, ये भी देखो। पहले यहाँ पर फूल नहीं थे लेकिन यहाँ पर बहुत फूल है अभी, देखो। यहाँ पर फूल नहीं था लेकिन अभी आके देखो कितना सुंदर लगा। ओ माय गॉड, पहले से भी अभी थोड़ा बड़ा बड़ा किया है, पहले तो छोटा है सर, एक रास्ते में जा सकते हैं। लोग पीछे से यहाँ फिर से सामने जा रहे हैं, सामने तो नहीं देखा, आप लोगों को दिखाएंगे। बहुत अच्छा पार्क है, आप लोग ज़रूर आने का कोशिश कीजिएगा पार्क में। उसके आगे आप लोगों को ये वाला पार्क दिखा के हम घर की तरफ जाएंगे। चुके हैं पार्क, बस ये छोटा सा है, इतना ही है, ज्यादा वो लोग अंदर में नहीं बनाया। तुम छवि लो, ब्लॉग बनाना वीडियो बनाना बहुत तकलीफ होता है, खुद तकलीफ में रह के वो सब करना पड़ता है। लेकिन आप लोग तो, मैं इतना मेहनत करती हूँ लेकिन आप लोगों को सर व्यूज तो आप लोग देखते ही हैं, लेकिन जो ब्लॉग्स बनाती हूँ वहाँ पर प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए, प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। लोग अभी फ़िलहाल घर की तरफ निकल रहे हैं। चुकी है, अभी तक हम लोग घर नहीं पहुँचे, पहुँचते पहुँचते शायद और भी रात हो जाएगी। ठंड भी है, मैंने स्वेटर भी लेके नहीं आई लेकिन इतना देर हो जाएगा पता नहीं था। लोग शांति बाज़ार पहुँच गई है और पहुँचने के बाद वहाँ पर एक रेस्टोरेंट है सेवन हेवन बोल के, वो रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा नॉनवेज वेजिटेरियन सब कुछ, मतलब चाइनीज़ फूड ये सब खाने का मिलते हैं वहाँ पर। मैंने ऑलरेडी उस भैया को फ़ोन करके बोला है एक प्लेट मोमो और एक प्लेट चिकन चाउमीन बोल के, और अभी वहाँ जाके हम लेंगे, लेने के बाद सीधा हम घर पे जाएंगे। लोग सेवन हेवन रेस्टोरेंट के सामने पहुंच गए हैं, अभी मेरा हस्बैंड अंदर जाके लेके आएंगे जो जो मैंने ऑर्डर दिया। देखो सेवन हेवन रेस्टोरेंट है शांति बाज़ार का, सेवन हेवन रेस्टोरेंट जहाँ पर है। आज बहुत थक गई, ठंड भी घुस गई है हम लोग का साउथ त्रिपुरा में, और आज बहुत थक गई।
अभी फिलहाल बस घर में जाना है, घर में जाके रेस्ट करना है। आज मुझे भी मेरा बेटी जैसा फीलिंग हुआ है, वोमिटिंग सेंसेशन। आज घर में जाके खाना नहीं बना पाऊंगी क्योंकि बहुत टायर्ड हूँ। जो मैंने ऑर्डर दिया वो खा के आज रात में वही खा के सो जाऊंगी। हम लोग शांति बाजार से घर के तरफ जा रहे हैं, तो गाइस हम लोग सीधा घर पे जाके हम मिलते हैं। हम लोग अभी घर में आके पहुँच चुके हैं, बाहर में बहुत ठंड है। हम लोग एलिका को साथ में लेके नहीं आए, कल जाके हम उसको लेने के लिए जाएंगे। तो गाइस आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और अभी के लिए बाय बाय एंड टाटा।